बेटा ये पैसे उठाओ और गिनो कितने हैं। पापा ये तो पूरे 2 लाख रुपए हैं। हाँ पापा मेरे भी पूरे 2 लाख रुपए हैं। हाँ पापा ये रुपए तो पूरे 2 लाख हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपने ये पैसे हमारे लिए क्यों दिए हैं। तो सुनो बेटा, मैंने ये पैसे तुम्हारे लिए इसलिए दिए हैं, जिस इंसान ने तुमको पूरी दुनिया दिखाई है उसके पैर छू के आने हैं तुम्हें। क्या पापा, हमें पैर छूने के पूरे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं? मुझे तो लगता है ना पापा का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मैं 2 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं किसी के पैर छू के नहीं आऊंगी, मैं तो इन 2 लाख रुपए का आईफोन लेके आऊंगी। क्या पापा आप सच में हमें 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी पैर छूने के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पापा भी बुढ़ापे में आकर सटे आ गए हैं। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरे पास बाइक नहीं है ना, उन पैसों से ना बाइक लेकर आऊँगा। क्या पापा 2 लाख रुपए, वो भी पैर छूने के? पापा आप चिंता मत कीजिए, जिसके भी पैर छूने को आप बोलेंगे ना, मैं ज़रूर उसके पैर छू करके आऊँगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि किस इंसान ने हमको ये पूरी दुनिया दिखाई है? चलो खैर कोई बात नहीं, बाहर जाकर किसी ना किसी से पूछ ही लूँगा। ठीक है पापा, हम तीनों लोग जाते हैं और अभी उस इंसान के पैर छू करके आते हैं, चलो। और सुनो बेटा, जिस इंसान के पैर छू करके आओ उसकी फोटो जरूर खींच करके लाना। ठीक है पापा। ठीक है पापा। ठीक है। अब जल्दी से जाकर ना आईफोन ले आती हूँ, फिर अच्छी अच्छी रील्स बनाया करूंगी, भाड़ में गए किसी के पैर वैर छूने। मैंने पापा से इतनी बार बोला है लेकिन पापा ने आज तक मुझे न्यू बाइक नहीं दिलाई है। खैर कोई बात नहीं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं अभी जाकर ना न्यू स्प्लेंडर बाइक खरीद लेता हूँ। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अच्छा बेटा आ गए तुम, छुआ पैर दिखाओ मुझे फोटो। अरे पापा आप पागल हो गए क्या, हम 2 लाख रुपए लेकर किसी के पैर छुएंगे क्या? देखो आपने मुझे बाइक नहीं दिलाई थी, मैंने कितनी बार कहा था आपसे, तो आज मैंने उन पैसों से अपनी बाइक खरीद ली, स्प्लेंडर बाहर खड़ी है। अच्छा वीर बेटा तुम बाइक ले आए, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा सोना बेटा तुम क्या लेकर के आई हो? पापा आपने जो मुझे 2 लाख रुपए दिए थे ना, मैं उसका आईफोन लेके आई हूँ और मैं किसी के पैर वैर छू के नहीं आई हूँ। और बेटा रोहित तुम क्या लेकर के आई हो? पापा मैं इनकी तरह कोई भी सामान लेकर के नहीं आया हूँ, जैसा आपने हमसे बोला था ना कि जिस इंसान ने हमको ये पूरी दुनिया दिखाई है उसके पैर छू करके आने हैं, तो पापा मैं ना उसके पैर छू करके आ गया हूँ। क्या बेटा तुम पैर छू आए, दिखाओ फोटो। उस इंसान ने हमको बताया कि इस दुनिया को दिखाने वाला कोई और नहीं, हमारे माँ बाप ही होते हैं। पापा आप ही मेरे भगवान हो। अरे बेटा उठो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ बेटा आज मैं अपने नाम की सारी संपत्ति तेरे ही नाम कर दूंगा। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप, अरे आप पागल तो नहीं हो गए? आप ऐसे कैसे सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देंगे? अरे हम भी तो आपके बेटे हैं, हमारा भी तो हिस्सा बनता है, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। हाँ पापा वीर सही कह रहा है, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, आपके 3 बच्चे हैं और सारी प्रॉपर्टी ना तीनों में बंटनी चाहिए, बराबर के हिस्सेदार हैं हम भी। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने सारी प्रॉपर्टी के नाम कर दी तो सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा, और हमें देखिए हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हम ही संभाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अरे ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, उसे इतना ही भी पता नहीं कि ये दुनिया किसने दिखाई है। देखो पापा हमें कुछ भी नहीं पता, अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर कर दी ना, तो हम आपके नाम पर रिपोर्ट कर देंगे और आपको पुलिस से पकड़वा देंगे। हाँ तो बुला लो पुलिस, क्या करेगी हमारा, आप चुपचाप निकल जाओ मेरे इस घर से। नहीं नहीं पापा ऐसा मत कीजिए, अगर आप हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। बेटा आज से सारी मेरी संपत्ति तू संभालेगा और मुझे तुझ पर गर्व है। पापा मैंने तो बस अपना फर्ज ही निभाया है, जैसा आपने मुझसे बोला था मैंने वैसा ही किया है। ठीक है बेटा। थैंक यू पापा।